फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हिट्स कॉलोनी पिलर नंबर 213 राजेंद्र नगर हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे सीट्स को लेकर जहां पर कड़ा मुकाबला होने वाला है। जब कड़े मुकाबले की बात आ जाती है तो सबसे पहले नाम उभर कर आ रहा है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इसी के ताल्लुक से। तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शंस को लेकर इस वक्त हैदराबाद की कुछ सीट्स काफी चर्चों में है, जिसमें पहला नंबर आता है नामपल्ली असेंबली सीट का। कौन जीतेगा नामपल्ली से? क्या AIMIM हमेशा की तरह कांग्रेस को हरा कर बाजी मार लेगी? क्या AIMIM के नए MLA कैंडिडेट माजिद हुसैन पहली बार MLA इलेक्शन में खड़े होकर AIMIM की जीत के सिलसिले को कायम रखेंगे या नहीं? चलिए आज बात करेंगे माजिद हुसैन को लेकर ही कि क्यों इस बार AIMIM और AIMIM के सदर ने माजिद हुसैन को नामपल्ली का उम्मीदवार चुना। क्यों मंजिस आंख बंद करके माजिद हुसैन पर भरोसा करती है? माजिद हुसैन का पास रिकॉर्ड कैसा रहा है और इसके साथ बहुत कुछ। 43 साल के माजिद हुसैन को पहली बार साल 2009 में मंजिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अहमदनगर फसलासर से कॉरपोरेटर का टिकट दिया था और पहली बार में ही माजिद हुसैन कामयाब हुए। उस वक्त माजिद की उम्र सिर्फ 29 साल की थी और वो नौजवान के बीच एक यंग लीडर बनकर सामने आए थे। उसके तुरंत बाद ही साल 2012 में वो हैदराबाद के सबसे यंगेस्ट मेयर बने और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का तख्त संभाला और आखिरकार 12 साल बाद मंजिस को अपना मेयर मिला। फिर बात उसके साल 2016 के म्युनिसिपल इलेक्शन में AIMIM ने माजिद हुसैन को पहली बार मेहंदीपट्टनम से इलेक्शन लड़ने को कहा। पहली बार में ही माजिद हुसैन ने BJP के सिटिंग कॉर्पोरेटर को हराकर मेहंदीपट्टनम की सीट पर AIMIM का झंडा लहराया। फिर साल 2018 के असेंबली इंतखाबात में माजिद हुसैन को नामपल्ली का इंचार्ज बनाया गया और माजिद के सरपरस्ती में मजलिस ने एक कड़ा मुकाबले का सामना करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान को 9000 वोट्स की मार्जिन से हराया था। तेलंगाना से हटकर जब AIMIM ने बिहार में इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया तो उस वक्त भी मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने माजिद हुसैन पर भरोसा करके उन्हें बिहार का इंचार्ज बनाया और वहां पर भी मजलिस ने अपना खाता खोला और 5 MLA सीट्स जीती। इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो जब भी मजलिस ने माजिद हुसैन को इम्तिहान में डाला वो पास होकर ही मैदान से वापस आए। माजिद हुसैन ने अपनी निगरानी में पार्टी को कभी हार का सामना करने नहीं दिया है। तेलंगाना में JHMC इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन और वो बिहार का असेंबली इलेक्शन ही क्यों ना हो, हमेशा ही माजिद हुसैन ने अपनी पार्टी को जीत का सुहाग चकाया और इस बार AIMIM पार्टी का नामपल्ली पर कड़ा मुकाबला है और वहां पर माजिद हुसैन खुद मैदान में उतरे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या माजिद हुसैन हमेशा की तरह इस बार भी आसानी से जीत हासिल करते हैं या नहीं। आवाम और नौजवानों के बीच माजिद एक यंग बोल्ड बेबाक लीडर बनकर सामने रहे हैं जो मीडिया में अपने तेज जुबान को लेकर चर्चों में रहे हैं। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कई बार अपनी तकरीरों में भी इस बात का जिक्र किया है कि माजिद एक तेज मिजाज लेकिन अपने दिल में आवाम के लिए मोहब्बत और हमदर्दी रखने वाले लीडर हैं। पिछले असेंबली इलेक्शन से अगर इस बार के इलेक्शन को कंपेयर किया जाए तो नामपल्ली पर मजलिस का फ्लो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अवाम का हुजूम मजलिस के जलसों और दौरों में देखा जा सकता है और मजलिस ये दावा भी कर रही है कि पिछली बार से ज्यादा की मार्जिन के साथ इस बार वो नामपल्ली से कामयाब होंगे। अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, जो जीता वही सिकंदर। तो ये थी खुसूसी खबर नामपल्ली MLA कैंडिडेट माजिद हुसैन को लेकर। खुदा हाफिज़। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट,
नो डाइट नो एक्सरसाइज के साथ आज ही कॉन्टैक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400।